बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे पास इस वक्त ये गाड़ी का एक डीज़ल कार का या डीज़ल इंजन का छोटी गाड़ियों का एक ग्लो प्लग मौजूद है। इसको हीटर भी कहते हैं, ग्लो प्लग भी कहते हैं। इसका मकसद ये होता है कि यहाँ इसका एक हीटर होता है, ये देख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका एक हीटर है। ये हीटर है, ये सिलाई की तरह जो आपको काला काला सा नज़र आ रहा है। तो जब इसको यहाँ पे पावर सप्लाई की जाती है शुरू में, तो ये कुछ करंट लेके 5 एम्पेयर से लेके कोई, कुछ लोग कहते हैं कि 20-25 एम्पेयर तक की भी होते हैं, 11 एम्पेयर या 5 एम्पेयर या जो भी आप कह लें। तो हम 5 वोल्ट 5 एम्पेयर को ही रखेंगे अपने कैलकुलेशंस में या कुछ भी, 5-6 एम्पेयर तक। तो ये ग्लो करने लगता है, ये सिलेंडर के अंदर ऐसे हेड के अंदर ये लगा होता है, यहाँ थ्रेडेड होता है, और वो इसके एनवायरनमेंट को गर्म कर देता है अंदर से। तो फिर जब इसके अंदर पिस्टन जब मूव करता है सिलेंडर के अंदर, तो वहाँ हवा गर्म होती है, और जब उसमें डीज़ल यहाँ से स्प्रे किया जाता है तो वो इग्नाइट हो जाता है। ये डीज़ल इंजन की ज़रूरत है। और मैं अब आपको इंजन नहीं पढ़ाने लगा, सॉरी टू से। यहाँ तो लोगों ने इंजन की भी डेफिनेशंस तब्दील कर दी हैं। इंजन को स्टार्ट होने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है फंक्शन करने के लिए, जिसमें सबसे पहले फ्यूल है, दूसरे नंबर पर कंप्रेशन है, तीसरे नंबर पे इग्निशन है, चौथे नंबर पे टाइमिंग है। लेकिन यहाँ तो लोग पता नहीं उसको क्या क्या बना गए हैं और क्या क्या डिफिनीशन कर रहे हैं। जब बंदे को नहीं पता होता तो फिर उसने मोंगियाँ ही मारनी होती हैं। आई एम सॉरी टू से, वीडियो पूरी देखिए, ठीक है जी। वीडियो में कुछ बातें आएंगी क्योंकि वीडियो एक रिएक्शन वीडियो है। बहुत सारे लोग मिसलीड कर रहे हैं आपको, बहुत सारे लोग गलत रास्ता दिखा रहे हैं, इसलिए मजबूरी थी कि वीडियो मैं बनाऊं। दिल नहीं था कि मैं इस तरह की वीडियो आपके सामने पेश करूं, लेकिन मजबूरी की हालत में बना रहा हूं। तो इस तरह से चूंकि लोगों ने हीटर बनाने की कोशिश की है, गीज़र बनाने की कोशिश की है, बड़े बड़े ड्रम गर्म करने की कोशिश की है, ब्लू वाले ड्रम जो हैं वो लोग गर्म कर रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं कि एक सोलर पैनल के ज़रिए अपने पूरे घर का पानी गर्म हासिल कीजिए, और पता नहीं क्या क्या खुशखबरियाँ आपको दे रहे हैं, और क्या क्या कहते हैं कि वो सब्ज़ बाग या बेवकूफ़ों की जन्नत में आपको धकेला जा रहा है। मैं ये कहूँगा, आपको शायद बुरा लगे, बुरा लगे तो आप बेशक डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन अगर मेरी बात कोई अच्छी लगे, मेरी हर बात यहाँ पे जो मैं करूँगा वो हकीकत पे मबनी होगी, कैलकुलेशंस के साथ, दलील के साथ बात करेंगे, ताकि कोई मुझे पकड़ ना सके। मैं इस तरह की बात नहीं करूँगा कि जिसमें मेरी पकड़ाई हो, या कोई गलत बात मैं आपसे कर दूँ, या ऐसी कोई बात करूँ कि जो कैलकुलेशन से आउट हो, ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकॉन दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो दोस्तों, ये जो चीज़ है ये बनाई गई है डीज़ल इंजन के लिए, ये किसी ड्रम के लिए, किसी पानी गर्म करने के लिए नहीं बनाई गई। और बस हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें जो लोग कुछ थोड़ी सी खुशखबरी देते हैं तो हम उनको पता नहीं क्या मान लेते हैं, और उस खुशखबरी के इंतज़ार में रहते हैं। और चूँकि हमारी कौम का ये अलमिया है कि वो अपने हालात बेहतर बनाने की बजाय वो कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं, कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि जिसके ज़रिए उनको कोई ऐसा आसान रास्ता मिल जाए कि जिससे वो अपने बिल, बिजली के बिल या गैस के बिल कम कर सकें, ये कोई चोरी का तरीका मिल सके। मैं एक्सक्यूज़ करता हूँ आपसे, बहुत रिस्पेक्ट के साथ कहता हूँ कि ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि बिजली का बिल बंद करने का तरीका बताएं, गैस का बिल बंद कर, गैस का मीटर बंद करने का तरीका बताएं। तो आई एम सॉरी, इस तरह की चीज़ें ना करें, ना इस तरह की कोशिशें करें। यह हमारा मुल्क है, बड़ा प्यारा मुल्क है, इसमें अगर हम इस तरह की गद्दारी करेंगे तो यह हमारा मुल्क, हम गद्दार कहलाएंगे, और गद्दार की सज़ा जो है वो आपको पता है कि क्या होती है। तो देखिए, ये चीज़ देखिए मेरे हाथ में है, ये पानी गर्म करने वाला स्टैंडर्ड हीटर है, स्टैंडर्ड गीज़र, ये राड है, इसको राड कहते हैं पानी गर्म करने का। गीज़र में भी इस तरह का राड लगा होता है, और ये जो है ये बाल्टी गर्म करने के लिए है, और यहाँ पे इसकी तफसील भी मौजूद है। ये देखें, अगर जो लोग रशियन समझते हैं, क्योंकि रशियन मेड का है, इसलिए ये देखें 10 kVT, तो ये 1 kW का है। 1 kW का मतलब होता है 1000 वाट, ठीक हो गया जी। 220 V का मतलब 220 वोल्ट, 220 V, और इस तरह से करके छेना गोस्त इस तरह करके इसके ऊपर लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है। बहरहाल मैंने आपको बताना ये था कि 1 kW यानी 1000 वाट का है ये, 1000 वाट 220 वोल्ट पे, 1000 वाट का ये हीटर है, जो कि एक बाल्टी को कुछ वक्त में, आपकी पानी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके इर्द गिर्द के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और आपकी बिजली पर डिपेंड करता है। तो ये समझें कि घंटे में
दो में, आधे घंटे में, जितने भी टाइम में, ये आपको इस पानी को इस काबिल बना देता है कि आप इससे नहा सकते हैं या वज़ू कर सकते हैं। तो नहाने के लिए आपको एक बाल्टी दो बाल्टी पानी की ज़रूरत आमतौर पर पड़ती है, वज़ू के लिए तो दो एक दो एक दो लीटर भी काफ़ी हो जाते हैं। बहरहाल ये जो चीज़ है जो मेरे हाथ में है, मैं आपको तजर्बे से साबित करूँगा, कैलकुलेशन से साबित करूँगा, सॉरी, कि ये बहुत ही मामूली है। इसके सामने ये देख लीजिए, साइज़ देख लीजिए, ये इसका हीटर है और ये इसका हीटर है, ये सारा हीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये हीटर है, ये पूरा हीटर है। इसके चक्कर देखें, ठीक है, ये दो तीन तीन चक्करों पे है, कुछ दो चक्कर के होते हैं, कुछ चार चक्कर के होते हैं, मुख्तलिफ बाज़ार में आते हैं ये। और इसका ये रिंग देख लीजिए, ठीक है, इसके सामने इसको रखिए, ये क्या बला है, ये इसके सामने कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इंजन के लिए होता है और ये बाल्टी गर्म करने के लिए होता है। तो जो चीज़ जिस मकसद के लिए बनी है ना, ज़राए करम उसको उसी मकसद के लिए इस्तेमाल कीजिए। ऐसा ना कीजिए कि आप किसी चीज़ को अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करते हैं। एक वीडियो मैंने देख रहा था जिसमें एक बंदे ने पूरा एक ड्रम दिखाया था इससे गर्म करते हुए, तो उसने क्या किया था कि वो आपको आपके सामने तो वो दिखा देते हैं कि ये हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पीछे वो गर्म पानी डाल लेते हैं उसमें और आपको दिखा देते हैं, और ये जब उसको पावर दी जाती है ग्लो करने लगता है, रेड हो जाता है। तो रेड तो ये होता है पावर दे के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतना ज़्यादा कोई गर्म होता है कि ये आपकी पता नहीं कि पूरे ड्रमों को और पूरे समंदरों को पूरे दरियाओं को गर्म कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अलबत्त ये चीज़ इतनी है कि आपकी एक बाल्टी को गर्म कर देता है। जो आपके स्टैंडर्ड गीज़र होते हैं उसमें 1000 वाट से 2000 वाट तक का ऐसा एलिमेंट लगा होता है, तो वो उस ड्रम को गर्म करता है जो गीज़र के अंदर होता है, लेकिन वो 1000 से 2000 वाट की एनर्जी भी लेता है। ऐसा नहीं कि उसमें ये लगा होता है, ठीक है जी, ऐसा ये नहीं लगा होता। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कैलकुलेशन की, क्योंकि मैंने बात की कैलकुलेशन की, तो हम आपके सामने एक कैलकुलेशन भी मैं करता हूँ ताकि आपको सब क्लियर हो। ये जो सोलर पैनल है, इस तरह की डिज़ाइन का सोलर पैनल जो आपके पास होता है, प्लस और माइनस, ये 150 वाट का होता है, और 150 वाट ये ओपन सर्किट वोल्टेज इसके 20 होते हैं, और ये तकरीबन 12 वोल्ट के लिए डिज़ाइन होता है, 12 वोल्ट के लिए, यानी 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए ये बनाया गया होता है। अब जो लोग कहते हैं कि इसके साथ मैं ग्लो प्लग लगा के एक पैनल के साथ हम ड्रम गर्म करेंगे, तो उसके हिसाब में अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें, आपके ना वोल्टेज पानी को गर्म करते हैं ना आपका करंट गर्म करता है। करंट ठीक है कि उसमें गुजरता है, वोल्टेज अप्लाई होता है, लेकिन चीज़ होती है वाट, एनर्जी। वाट्स जो होते हैं वो असल में आपके पानी में जा रहे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ये 1000 वाट का है और ये कोई 60-70 वाट का है, ठीक है, और ये 150 वाट का है सोलर पैनल। तो एक अकल की बात है कि 1000 वाट जहाँ ज़रूरत है, अगर वहाँ पे आप 70 वाट देंगे तो ये तो बहुत कम एनर्जी है, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। 70 वाट से क्या गर्म होगा, 70 वाट से आप पूरे दिन के अंदर एक ड्रम तो क्या, इतनी सी बॉटल जो है ना, ये 1.5 लीटर वाली, ये भी नहीं गर्म कर पाएंगे, ये बॉटल भी नहीं गर्म कर पाएंगे। और अगर आपने गर्म कर भी दी तो कोई ऐसा बड़ा कमाल आपने नहीं किया, क्योंकि इस एक बॉटल को गर्म करके आप क्या करेंगे, कोई फ़ायदा है इसका ना, इससे आप नहा सकते हैं ना इससे आप वज़ू कर सकते हैं। तो ये चीज़ बराह करम कीजिए कि लोगों को मिसगाइड ना कीजिए, वीडियो बनाने वालों को मैं कहता हूँ कि लोगों को मिसगाइड ना कीजिए, इस तरह के तजर्बात मत लाइए लोगों के सामने व्यूज़ हासिल करने के लिए। आपका मकसद सिर्फ व्यूज़ हासिल करना है, लोगों को गुमराह करना है, लोगों को भटकाना है, तो इससे हट के, यूट्यूब से हट के कोई और काम शुरू कर लीजिए, ठीक है जी। कोई और काम में भी आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन लोगों को गुमराह करके, उनको गलत रास्ते पर डाल के, ये चीज़ बहुत ही बुरी होगी। ये आपकी क़यामत के लिए भी बुरी है, आपकी दुनिया के लिए भी बुरी है। तो मैं तो उनको खुले कहता हूँ, खुला चैलेंज देता हूँ कि इस तरह के काम ना कीजिए कि जो ना होने वाले होते हैं। अब देखिए, ये जो चीज़ है, ये 5 एम्पेयर, लोग कहते हैं कि ये 5 एम्पेयर लेता है, 5 ज़रबे 12 करते हैं, ये एम्पेयर हैं आई और ये वी है, तो डब्ल्यू जो होता है वो वी इंटू आई होता है, आपको पता है। तो 12 ज़रबे 5, अगर मैं ज़रा और भी क्लियर लिखूं ताकि आपको पता ये ना हो कि ये इधर उधर हो गया, तो 12 × 5 = 60 होता है, तो 60 वाट हो गए। तो ये चीज़ मेरे कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन के हिसाब से 60 वाट बनती है। अगर ये 6 एम्पेयर भी हो तो 12 ज़रबे 6 = 72 वाट, 72 वाट हो गए। तो 72 वाट भी मत मानिए, इसको 100 वाट मान लीजिए, बहुत ज़्यादा पावर भी हुई तो 100 वाट। वैसे ये 150 वाट का है, लेकिन जब इस पे लोड डालते हैं तो इसकी कैलकुलेशंस बदल जाती हैं, अनसिमेट्रिकल लोड होता है ये,
तो ये 150 वाट नहीं दे पाता, बल्कि ये बहुत ज़्यादा हो तो 100 वाट समझ लें, या 72 वाट या 60 वाट कुछ भी समझ लें, लेकिन ये इनफ नहीं होता एक बाल्टी को गर्म करने के लिए। तो दोस्तों, मकसद मेरा ये था कि आपको बताऊं कि शॉर्टकट्स ढूंढने की बजाय अपने हालात पे गौर कीजिए, कोई ऐसा बिज़नेस इख्तियार कीजिए कि जिससे आप पैसे कमा सकें और इस मुल्क को संभाला दे सकें, अपने बच्चों को संभाला दे सकें और अपने हालात को बेहतर कर सकें, बजाय इसके कि आप शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, चोरी के रास्ते ढूंढते हैं या इस तरह के काम करते हैं कि ये ग्लो प्लग्स लेके लोगों को गलत रास्ते पे लगाते हैं, यूट्यूब पे गलत वीडियोस डालते हैं और इनसे पानी गर्म करने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ें दिखाते हैं, तो ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। बराए करम ये काम ना कीजिए। अगर आपने यही काम करना है तो यूट्यूब से हट जाइए, कोई और काम इख्तियार कर लीजिए। और मैं उन व्यूवर्स से भी गुजारिश करूँगा कि जिन व्यूवर्स ने ऐसे लोगों को उठाया हुआ है कि जो आपको इस तरह के गलत रास्तों पे लगाता है, कि जो ग्लो प्लग्स आपको दिखाता है, इनके ज़रिए पानी गर्म करके दिखाता है, तो उसको कंडेम कीजिए, उनके आइडिया को कंडेम कीजिए और उनको सख्ती से कहिए कि हम हमें ये चीज़ें ना दिखाएं। ये चीज़ें इस मकसद की नहीं हैं। जो चीज़ जिस मकसद के लिए बनी है उसको उसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसको दूसरे तीसरे मकसद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। तो दोस्तों, बातें कुछ सख्त हो गई, मैं सबसे माजरत करूँगा जिन जिन का दिल दुखा या जिनको जिनकी दिल आज़ारी हुई, तो मैं माजरत करूँगा उनसे, लेकिन यह है कि अपने आप को ठीक कीजिए, इसलाह कीजिए अपनी, इसलाह ज़रूरी है। और ये सिर्फ इसलाह के लिए था, एक कोशिश थी कि ताकि इस तरह की गलत चीज़ें आवाम में ना आएँ, ये फ्री एनर्जी के धंधे और ये गलत चीज़ें, ये मोटरसाइकिलों को पानी से चलाना, मैं उसके ऊपर भी एक उसको भी खोलूँगा। एक बंदे ने इस तरह की भी हरकत की है कि मोटरसाइकिल को पानी से चलाने की कोशिश की है, तो उसको भी मैं किसी टाइम खोलूँगा और उस पर भी इस तरह की एक वीडियो बनाऊँगा जिस तरह ये रिएक्शन वीडियो मैं आपके सामने दे रहा हूँ। दिल मेरा नहीं है कि मैं इस तरह के काम करूँ, लेकिन ये लोग मजबूर कर देते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का निशान दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।